आज मॉम की जगह मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ और वो है अरेबिक पीटा ब्रेड, या फिर अरेबिक ब्रेड भी बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं मॉम इसको? खबूस। हाँ जी, हाँ, खबूस, खुब्स, सब बोलते हैं उसको। सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज ये रेसिपी बेटी बनाने वाली है। बताइए बेटी, क्या क्या चाहिए इसमें? उसके लिए ऐसे एक फुल बाउल, मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। अभी उसमें 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे, फिर 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम नमक या फिर जी स्वाद अनुसार, फिर हाफ हाफ नहीं 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, जी 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 और बेकिंग पाउडर का आधा बेकिंग सोडा हमने लिया है, तो 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, ओके, और फिर इधर 3 टेबलस्पून दही लिया हुआ दही है। लिया है। अच्छा, तो ये बिना यीस्ट का हाँ खबूस बनने वाला जी, है। अवन ओ की भी वाह। जरूरत और नहीं पड़ेगी, ईस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तवे पे कैसा बनता है वो बताने वाली हाँ, मिक्स हो? करके ओके फिर थोड़ा गुनगुना पानी लेके इसका जी, एकदम सॉफ्ट आटा हमें बांध लेना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाओ और हाँ, आटा बनाते जाओ। तो देखिए एकदम सॉफ्ट सा आटा रेडी हो चुका है। और इस तरह से क्लीन, क्लिंग फिल्म लगा के अभी हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। 2 घंटे के बाद थोड़ा सा हल्का सा खमीर आ जाएगा इसमें यस, और अच्छा सा फिर हम फर्मेंट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जी रेस्ट पे रखने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा आटा मोटा हो चुका है, फूल गया है। एकदम सॉफ्ट हाँ, अच्छे से सॉफ्ट हो डो चुका बन चुका है। है। थोड़ा सा इस पे आटा डस्ट करके थोड़ा 2 मिनट हम इसको फिर से नीट कर लेंगे। ओके, अभी इसका ऐसे पेड़ा बना के हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे अच्छा। ऑलरेडी ऐसे। हम लोगों ने बहुत सारा खबूस बना लिया है जी और फिर सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ये ऐसे करके आप पॉकेट्स भी बना सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि आई वाह। ऐसे रोल करेंगे ना तो उसमें सिलवटे आ जाएंगी, हाँ, तो तो या इस फिर तरह से ऐसे आप थोड़ा, पोटली नीचे आई मतलब वाह, वैसे करके ऐसे हाँ उसको टक इन कर देना है, आई वाह। एकदम अच्छा सा पेड़ा बना लेना है। अभी हम इसे थोड़ा सा ऐसे थेप देंगे और इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे। इससे क्या होता है, मैदे में हमेशा ऐसे करके रख दोगे, 5 मिनट रेस्ट करोगे ना तो उसके बाद ऐसे आप बेलोगे तो वो वापस सिकुड़ नहीं जाएगा इतनी आसानी से। ओ ऐसा। हाँ, तो ऐसे सब थेप के वो बेलने खबूस में के भी साथ, आसानी हाँ होगी। जी, खबूस के साथ आप हमुस खा सकते हो, इसकी फलाफिल सैंडविच बन सकती है। हमुस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और फलाफिल सैंडविच में बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगी। यस तो आज आप ये सीखे और इसे 5 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इसे बेल लेंगे। रेस्ट के बाद इस तरह से बेल लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं। और ये जाएगी तवे में। आई वाह। मीडियम फ्लेम पे ही करना है, ज्यादा हाई नहीं ज्यादा लो नहीं वैसे वाले। ओके, फिर और एक बार थोड़े बबल आ जाते हैं उसके बाद हम इसको, इसको पलट लेंगे। जी, आप देख सकते हैं एकदम लाइव पिता ब्रेड थोड़े इस से तरह बबल से। दिखने लगे हाँ, हैं। अभी इसको पलटी करेंगे। वाह जी वाह। फिर अभी फिर से एक बार पलट से लेंगे यस, और अभी ऐसे स्लोली स्लोली प्रेस करेंगे, थोड़ा आई वाह। जिधर बबल्स हो रहे उधर थोड़ा ऐसे, प्रेस करते जाना है। हाँ, ताकि जो हवा है वो ओ, सब में फूल भी। ये देख देख देख, वाह जी वाह, वाह जी देखिए वाह, गुड गुड पूरा गुड, मस्त फूल गया है। आई वाह। अभी फिर से थोड़ा इस तरफ सेके। ये देखो, बच्चों से भी कभी कभी हमें सीखने को मिलता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलिए अभी इसे निकाल और देंगे। ऐसे ही जो भी है सारे बना लेते हाँ हैं। जी, देखिए ये रेडी है, ये ऊपर वाला आई गरम वाह, है एक थोड़ा सा खोल के तो मैं देख। नीचे आई वाला खोल के वाह, देखती हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ध्यान से बेटा। हाँ जी,
वाह, हम लोग आज फलाफेल सैंडविच बनाने वाले हैं, जल्दी उसकी तो रेसिपी भी। देखिए। ओ वाह, देखियो अच्छे से एकदम जालीदार होममेड खबूस कहो, होममेड पिता ब्रेड कहो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बनता है, एकदम सॉफ्ट है। हाँ जी, और मजा आ जाएगा आपको, तो फिर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा है ये। हम उस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उस तो आप हम उसके साथ खाइए और एंजॉय कीजिए अरेबिक ब्रेड। हाँ जी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक थैंक यू। यू।